मधु भला किसे प्रिय नहीं, अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है, और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। भाई दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो, कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं। जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लग जाए, नमक की भांति होनी चाहिए। सच्चे मित्र तो वो हैं जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना, आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर स्वीकार कर स्वयं को सुधार सके। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है, किंतु अधिकतर ऐसे लोग इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता, इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें।